हाँ तोशी दी कि जो है मैंने मुझे किसी ने बताया था कि जी सूरह वाकिया 1000 दफा पढ़ने से रिस्क में बरकत के लिए ना, और वो उन्होंने कहा था कि पहले 20 रोजों में इसको कंप्लीट करना है। असल में मैंने उसको, मुझे पता खैर काफी लेट चला था, फिर उसके बाद दरम्यान में मेरी जो है वो मेंसेस की डेट आ गई थी वो स्टार्ट हो गई थी। अब मैं आज जो है अब 20वें रोजे में कम अज कम 2-2.5 दिन रह गए और मैंने तकरीबन इसको 139 दफा अभी सिर्फ पढ़ा है। तो मैंने ये पूछना था कि 1000 दफा तो मतलब बहुत ज्यादा तादाद है, मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, तो क्या इसका कुछ उसको कम तादाद में पढ़ा जा सकता है या इसको मैं किसी और से मतलब मौलवी साहब को घर में बुला के पढ़ा सकती हूँ? ये बड़ा आसान काम है और ये बहुत अच्छा काम। नहीं नहीं बहन, बात आपकी सुनी, क्या कहा था किसी ने कि 1000 मरतबा पढ़ो? बहन कह रही है कि इन्हें किसी ने बताया था, क्योंकि आजकल सारी दुनिया एक काम है कि मतलब मसाइल हल हो जाए, मसाइल तो परेशान है कि माली मामलात के हल के लिए किसी ने मुझे वजीफा बताया था कि 20 रमजान तक अगर कोई बंदा या बंदी 1000 बार सूरह वाकिया पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके दिन फेर देंगे। अभी भी कहती है कि मैं अपनी आदत के बायस दरम्यान ने छोड़ दिया, नहीं छोड़ नहीं दिया, मतलब वो कह रही है कि मुझे पता भी बाद में चला, अब 2 दिन हुए हैं। नहीं नहीं मुझे पता चला था, असल में दरम्यान में मेरे पीरियड्स आ गए थे। मेरी बात कही है ना, जब पता चला तो आप ये काम कर नहीं सकती थी। मैंने शुरू किया था, मतलब 2 दिन अभी मैंने, मुझे 3 दिन स्टार्ट किए हुए हुए थे। अच्छा। तो मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, मतलब मैंने 139 टाइम्स उसको पढ़ लिया था, बाकी तादाद जो है 161 तकरीबन आपका कोई 1800 मतलब ये समझे कि 1000 था, 1000 में 200 निकल के 800 कुछ बाकी है आपकी तरफ। हाँ, तकरीबन। तो मेरी बहन है, आप पहले सुने कि जिसने ये बताया ना जी, अल्लाह उसे हिदायत ने, उसने आप पर बड़ा जुल्म किया, 1000 मरतबा पढ़ेंगी तो मेरा ख्याल दिन क्या फिरने आप ही फिर जाएंगी, दिमाग ही नहीं ठीक रहेगा, खुश्की हो जाएगी, जालिम है लोग ऐसा चक्कर देते हैं। और जब आप जैसी बहनें फिर कहती इतना तो हमसे पढ़ा नहीं, अच्छा फिर हमें ये बकरा दे दो, ये दे दो, हम ये कर देंगे। नहीं नहीं मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या इसकी तादाद कम तादाद में इसको पढ़ा जा सकता है, जैसे बाद चीजों को हम 313 दफा पढ़ के वो कसरत में शामिल हो जाती है। नहीं नहीं अब आप बोलेंगे नहीं, आप बोलेंगे नहीं, आपकी बात जो कर रहे हैं ना पूरी सुन लें, फिर अगर आप दरमियान में कोई वजाहत तलब बात चाहेंगी तो हम बताएंगे, लेकिन हर जुमले पे आप टोकेंगे नहीं, टोकने का कोई फायदा नहीं होता, फिर फायदा नहीं, पूछने के बाद 5-10 मिनट आपको चुप करना चाहिए ताकि क्लियर कर रहे हैं, और दूसरे लोगों ने भी सुनना होता ना कि इतनी तादाद में जिक्र दीन में कोई नहीं आया, बिल्कुल नहीं, आपने पढ़ना कोई भी बताया करने की जरूरत नहीं, जो एक कमजोर रिवायत है उसमें सिर्फ एक बार पढ़ने का आया कि रात को जब आदमी सोए या उससे पहले तो सूरह वाकिया अगर वो रात को तिलावत करे तो अल्लाह ताला उसको फकर से फाका से बचाता है, रिवायत ये भी नहीं मजबूत हजूर अलैहिस्सलाम से साबित नहीं, इसलिए ये वाकया पढ़ने की जरूरत नहीं, कुरान सारा बबरकत है बेशक पढ़े, ये वाकया के बारे में जो बातें भूल गए, 1000 तो बिल्कुल ही छोड़ देना, आज से ही जान सुनाए 100-150 भी पता नहीं आपने कैसे पढ़ा, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, इसकी बजाय जिक्र ऐसे छोटे छोटे हैं वो करें आप, मसला हल होगा, बाकी अल्लाह की मर्जी जो उसे गालिब है, बहन ला इलाहा इल्लल्लाह मलिकुल हक्कुल मुबीन, 100 मरतबा इसको फजर के बाद पढ़ना शुरू करें, वाकया 1000 मरतबा पढ़कर क्या बनेगा आप, खुद ही नहीं तंदुरुस्त रहेंगे जी बहन, ला इलाहा इल्लल्लाह मलिकुल हक्कुल मुबीन, रात को एक बार पढ़ने का जिक्र थी वो भी नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह पहले, ला इलाहा इल्लल्लाह फिर अल मलिक अल हक अल मुबीन, 3 नाम अल्लाह पाक के आ गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मलिकुल हक्कुल मुबीन, 100 मरतबा फजर के बाद इंशाअल्लाह फजल फरमाए। मौलाना की बात को समेटते हैं, मौलाना ने फरमाया कि आपको अगर किसी ने 1000 दफा सूरह वाकिया पढ़ने का बताया तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात मुबारका से कतन साबित नहीं, नहीं। हाँ आप पूरा कुरान पढ़ें, बरकत वाली बात है और बहुत अच्छी बात जी, ठीक है शुक्रिया। तो इसको 100 दफा पढ़ना फजर के बाद कितने दिन तक? नहीं पढ़ती रहे, मैंने तो आदत बनाई, हालांकि मुझे इस वक्त कोई परेशानी है अल्हम्दुलिल्लाह सब को, मगर पढ़ता रहता हूँ, छोड़ता नहीं, कोई ऐसा मरला नहीं आना चाहिए आदमी के, आप काम निकल गया आपको अल्लाह को क्या याद करना, नहीं नहीं मैं वैसे पूछ रही हूँ कि इसको मतलब पढ़ते रहना है, नहीं पढ़ते ही रहे, नहीं नहीं इंशाल्लाह 100 मरतबा कुछ भी नहीं, बात सब मेरे भाई बहन हमेशा आदत बना लें फजर के बाद ये पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मलिकुल हक्कुल मुबीन। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला फजल अल्लाह।